हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ प्याज के क्रंची पकौड़े। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में काफ़ी टेस्टी है ये। इसे आप इवनिंग के स्नैक्स या फिर टी टाइम में सर्व कर सकते हैं। फिर चलिए पकौड़ा बनाना शुरू करते हैं। पकौड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 3 प्याज, जिसको मैंने स्लाइस में चॉप कर लिया है, या फिर आप चाहो तो इसे बारीक चॉप भी कर सकते हो। आपको जैसा पसंद हो आप अपने अनुसार इसे काट सकते हैं, पर ध्यान रहे प्याज को थोड़ा सा बारीक ही रखना है। अब इसमें हमें डालने हैं 2 से 3 चम्मच के करीब बेसन, या फिर बेसन जरूरत अनुसार डालना है। आधी छोटी चम्मच अजवाइन और कलौंजी, लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, बारीक कटे हुए हरी मिर्च 2, भुने हुए जीरे का पाउडर आधी छोटी चम्मच। एक बार आप इस तरीके से पकौड़ा बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और इसमें मैंने नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। अब इसे मिक्स करने के लिए या तो हमें पानी चाहिए या फिर दही, तो मैं दही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दही मैंने 3 चम्मच डाला है और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही डालने के बाद इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो आप एक बार दही डालकर यह पकौड़ा बनाइए, आपका पकौड़ा बहुत ही सॉफ्ट और क्रंची बनेगा। और ये हमारा पकौड़े का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इसे हमें रखना नहीं है सेट होने के लिए, तो मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए इसमें हमें एक एक करके पकौड़े को डालना है, और ऑयल को हमें मीडियम फ्लेम पर गर्म करना है। तो ये देखिए तेल हमारा बराबर गर्म है और पकौड़ा हमारा फ्राई हो रहा है। जब नीचे से यह सिक जाए उसके बाद ही हमें पलटना है। बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है, तो एक एक करके इसे हमें इस तरह से पलट लेने हैं। और पकौड़े को हमें इस तरह से 2 से 3 बार पलट पलट के फ्राई करना है। इससे पकौड़ा हमारा अच्छी तरह पकेगा, फ्राई होगा। तो ये पकौड़ा हमारा फ्राई हो गया है, अब इसे निकाल लेते हैं। कलर देखिए बहुत ही बढ़िया आया है। और जो बाकी का बचा हुआ है उसे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अगर आप इसे लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो आपका पकौड़ा ऑयली हो जाएगा, फिर खाने में बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें, और इसे आप इत्मीनान से फ्राई करें ताकि यह अंदर तक अच्छी तरह पक जाए। तो ये हमारा यमी पकौड़ा तैयार है। इसे आप सर्व कर सकते हैं टमाटो केचप या फिर हरी चटनी के साथ। खाने में बहुत ही टेस्टी है ये और काफ़ी क्रंची भी है। तो होप सो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। लाइक से एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।